और यहाँ जितने भी लोग आज कर्जा मुक्ति अभियान में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इंक्लूडिंग मैं और मेरी पूरी टीम के साथी, कोई भी अपना कर्जा माफ नहीं कराना चाहता, हम सब लोग जनता के कर्जा माफी के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि एक ना एक दिन सरकार जरूर सुनेगी इस बात को और हम जरूर सफल होंगे। अगर अभी लेटेस्ट की बात करूं तो आज तक, अगर हम कल तक की बात करें, कल मैंने पहले भी कहा था कि अब जितना भी डाटा हमारे पास आ जाएगा 31 अक्टूबर 2022 तक, वो सब लेकर के हम वित्त मंत्रालय चले जाएंगे। तो अभी अगर बात करूं, लेटेस्ट हमारे पास लगभग 97,000 लोगों के फॉर्म आ गए हैं रात 12 बजे तक। कल रात 12 बजे तक 97,000 लोगों के फॉर्म हमारे पास आ गए थे। आज पूरी टीम पूरे दिन लगी रही फिल्टर करने में उनको। कई लोगों ने अपना बताया नहीं कितना अमाउंट है, कितना कर्जा है उनके ऊपर, वो कॉलम खाली छोड़ दिया। बहुत सारे लोगों ने अपना फ़ोन नंबर पास किया है तो वहाँ भी दिक्कत हुई है कि बहुत सारे लोगों ने फ़ोन नंबर सही नहीं दिया। फिर भी फिल्टर करने के बाद टोटल ओवरऑल देखा गया तो लगभग 78,700, यानी लगभग बात करें तो 79,000 फॉर्म हमारे पास यूनिक मिल गए हैं जिन लोगों के ऊपर कर्जा है और जो कर्जा माफ़ी चाहते हैं। अब इन फॉर्मों को लेकर के इनका सबसे पहले तो एक एक्सेल की शीट बनाई जा रही है और एक्सेल की शीट में एक जैसे पहले वीडियो रिकॉर्ड की गई थी वैसे वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा। वीडियो रिकॉर्ड करने में ये होगा कि जब आपके पास जानकारी होगी आप उस वीडियो को मैं यहाँ अपलोड कर दूंगा तो आप देख पाएंगे। कल या परसों में कोशिश करूंगा, कल ही हो जाए नहीं तो परसों तक वो वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप सब लोग चेक कर लें कि जिन जिन लोगों ने फॉर्म भरा है 31 अक्टूबर 2022 तक उन सबके नाम उसमें होने चाहिए। सीरियल नंबर 1 से लेकर के 78,700 लोगों के नाम होंगे उसमें। नंबर नाम मोबाइल नंबर नहीं होगा उसमें, नाम होगा, राज्य का नाम होगा, लोकसभा का नाम होगा और कितना कर्जा है वो नाम, वो जगह, वो कॉलम होगा। बाकी हमने फोन नंबर और ईमेल आईडी वो जगह खाली छोड़ दी है, वो नहीं दे रहे अभी सरकार को। जब सरकार मांगेगी तब देंगे वो जानकारियां। इसके अलावा बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर मैं कर्जा मुक्ति अभियान में आपके साथ जाना चाहता हूं वित्त मंत्रालय। साथियों अभी दिल्ली आने की सबको जरूरत नहीं है, जो दिल्ली में लोग रह रहे हैं उन्हें मैं कॉल करवा रहा हूं और उनसे मैं भी मिलूंगा और मैं कोशिश करूंगा उन लोगों को लेकर के जाया जाए। दिल्ली की अगर बात करूं, टोटल डाटा में अगर दिल्ली की बात करूं तो लगभग 6,000 के आसपास लोग ऐसे हैं जो दिल्ली के हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है कर्जा मुक्ति के लिए, वो दिल्ली में रहते हैं। उन सबसे मैं उम्मीद करूंगा कि वो 6,000 के 6,000 लोग कर्जा मुक्ति के लिए हमारे साथ चलें, या उनमें से ज्यादातर लोग जो आ सकें वो आए मुझसे मिलने के लिए, वित्त मंत्रालय जाएंगे हम लोग। डेट अभी डिसाइड नहीं है, वैसे मोस्ट प्रोबेबली हम लोग 5-6 दिन में काम कर लेंगे तो 7 तारीख को, 7 नवंबर को हम लोग जाएंगे, लेकिन 1-2 दिन अगर आगे पीछे हुआ तो मैं आपको जानकारी दे दूंगा। बाहर के लोगों को, दिल्ली से बाहर के लोगों को अभी आने की जरूरत नहीं है, जो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं वो लोग आ सकते हैं और हम वित्त मंत्रालय जाएंगे और समय जो रहेगा वो सुबह 11 बजे का रहेगा। यानी अभी तक मोस्ट प्रोबेबली हम लोग 7 तारीख को तय कर रहे हैं, 7 तारीख को सुबह 11 बजे हम लोग वित्त मंत्रालय जाने वाले हैं। तो आप लोग 10:30 बजे राष्ट्रपति भवन के बाहर, जो वित्त मंत्रालय जाते हैं जहाँ नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक है वहाँ राष्ट्रपति भवन पड़ता है, राष्ट्रपति भवन के बाहर वहाँ जो पार्क है वहाँ मिल जाइएगा, वहाँ हम लोग इकट्ठा हो जाएंगे। मैं दिल्ली के साथियों के भी नंबर आपसे 1-2 दिन में शेयर कर दूंगा और आप सबको जो दिल्ली के साथी उनको व्हाट्सएप पर जानकारी दी जाएगी, लोकेशन की भी जानकारी दी जाएगी, किस साथी से मिलना है वहाँ वो जानकारी दी जाएगी। और वित्त मंत्रालय जा पाए अंदर या ना जा पाए, कम से कम हम वहाँ इकट्ठे हों और मैं भी रहूँगा। मेरी टीम में जैसे मैंने बताया था सीए सुरभि श्रीवास्तव भारती जी जो इसको लीड कर रही हैं मिशन को, वो रहेंगी, उनका पूरा डेलीगेशन रहेगा, 4-5 लोग उनके ग्रुप में हैं वो लोग रहेंगे, मैं भी रहूंगा और दिल्ली की टीम के हमारे साथी लीडर भी रहेंगे। और आप में से दिल्ली में जो भी लोग ऐसे हैं जो वोकल हैं, जिनको लगता है कि उन्हें भेजा जाए तो वो अपनी बात रख सकते हैं, अधिकारियों से बात कर सकते हैं, वित्त मंत्रालय में जा सकते हैं, उन लोगों को भेजा जाएगा जो पढ़े लिखे हों, समझदार लोग हों और थोड़ा तैयार होकर के आइएगा। आप नेहरू जैकेट पहन करके आएंगे, व्हाइट कुर्ता या शर्ट ले सकते हैं, नेहरू जैकेट पहन सकते हैं, बैच में वहाँ आपको इंडिया का बैच लगवा दूंगा ताकि हम सब लोग एक ही टीम के सदस्य लगें। कोशिश करिए शांतिपूर्ण तरीके से आना है, कोई हो हल्ला नहीं करना है और कोई अभी डॉक्यूमेंट्स लेकर के नहीं आने, जब डॉक्यूमेंट्स मंगाने होंगे, जब वित्त मंत्रालय मंगाएगा तब मंगा ले जाएंगे, अभी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मंगाने हैं। आप जो दिल्ली एनसीआर में लोग रहते हैं वो पहुंच सकते हैं, उसकी भी डेट लोकेशन वो सारी जानकारी मैं फेसबुक पेज के माध्यम से आपसे शेयर करूंगा जब आपको जानकारी मिलेगी। और जो नंबर मिलेंगे उन नंबर पे फोन करके आइए ताकि हमें पता रहे कितने लोग आने वाले हैं ताकि हम उतनी वैसी व्यवस्था कर पाएं, हमें अगर वहाँ परमिशन लेनी पड़े क्योंकि इतने सारे लोग अगर एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे और परमिशन नहीं होगी तो भी दिक्कत हो जाएगी। और किसी तरह का कोई हो हल्ला नहीं करना, कोई धरना प्रदर्शन नहीं करना, कुछ नहीं करना, हम जाएंगे ये डाटा प्रिंट आउट लेकर के जाएंगे और ये शीट और एक लेटर, कवर लेटर वहां जाकर के दे देंगे और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों को बोलेंगे कि भाई हमें समय दिया जाए मिलने का, अपनी बात रखने का।
अगर वो मिलने के लिए समय दे देते हैं उसी दिन, तो उसी दिन जाएगा हमारा डेलीगेशन, उसके साथ आप लोग जा सकते हैं। 2, 4, 5, 10, 20, 50 जितने लोगों को उनको लगे बात करनी चाहिए, सुनना चाहिए, उतनों को भेज देंगे हम लोग। और अगर वो आगे का भी क्या समय देते हैं कि नहीं आप 1 हफ्ते बाद आइए या 15 दिन बाद आइए, तो हम 1 हफ्ते या 15 दिन बाद भी चले जाएंगे। तो अभी जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि हमारे पास जितना भी डाटा आ जाएगा 31 अक्टूबर 2022 तक, वो सारा लेकर के हम वित्त मंत्रालय चले जाएंगे। तो अभी हमारे पास 78,700 यूनिक डाटा आ गया है। कुछ लोगों के नाम रिपीट थे तो उनको हमने हटा दिया है। अगर किसी का नाम और फोन नंबर दोनों रिपीट रहा है उसको हटाया गया। अगर नाम सेम, नाम अलग अलग है, नाम सेम है और फोन नंबर अलग अलग है तो भी रखा गया है, और नाम अलग अलग है और फोन नंबर सेम है तो भी रखा गया है, क्योंकि कई लोगों ने एक ही फोन नंबर से बहुत सारे फॉर्म भरवाए। तो ये अभी तक की जानकारी है। दूसरी चीज, एक और जानकारी जो आपको देनी है, अभी बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर मैं आपसे जुड़ना चाहता हूं, मैं आपके साथ कनेक्ट होना चाहता हूं। तो साथियों, अब हम जगह जगह पर कर्जा मुक्ति केंद्र खोल रहे हैं, और आप में से जितने भी लोग ऐसे हैं जो कर्जे की दलदल में फंसे हुए हैं, कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं, चाहे वो आपने प्राइवेट फाइनेंसर से लिया, एनबीएफसी से लिया, क्रेडिट कार्ड से लिया, किसान क्रेडिट कार्ड से लिया, बैंक से लिया, कहीं से भी कोई लोन लिया है और आप लोन नहीं चुका पा रहे हैं और लोग आपको आकर परेशान कर रहे हैं, तो सबसे पहले ऐसे लोग कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़ जाएं, एज ए वॉलंटियर जुड़ जाएं, ताकि आप वहां के रिप्रेजेंटेटिव बने। उसके लिए क्या होगा, मैं आपको एक बैनर का डिजाइन बनवाकर भेज दूंगा, मेल कर दूंगा, वो बैनर प्रिंट आउट करा करके आप अपने यहां लगा लें, शीट के रूप में लगा सकते हैं, फ्लेक्सी शीट पर प्रिंट ले सकते हैं, अपने यहां लगा लें, और आपको एक यूनिक नंबर दिया जाएगा, केंद्र का नंबर रहेगा वो, आपके आपके केंद्र का नंबर है, आप कर्जा मुक्ति केंद्र चलाएंगे, कर्जा मुक्ति अभियान के आप वॉलंटियर बन जाएंगे। जब कोई आपसे कर्जा मांगने आएगा, उसमें मेरी फोटो भी है, वहां पर हमने एक QR कोड भी लगा रखा है, जिसको अगर कोई स्कैन करेगा तो कर्जा मुक्ति अभियान की पूरी जानकारी की वीडियो भी उसे मिल जाएगी। तो उनको अगर कोई परेशान करता है और आपके यहाँ आता है, उसको बोलिए ये सर हैं जो कर्जा मुक्ति अभियान चला रहे हैं, आप इनसे संपर्क करिए। वो कहे संपर्क कैसे करना है, उसको बोलिए QR कोड है, उसको स्कैन करिए, आपको सर की वीडियो मिल जाएगी, सर की जानकारी मिल जाएगी, आप सर से संपर्क कर लीजिए। कर्जा मुक्ति अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है, और हम सब साथ मिलकर के कर्जा उतरवा सकते हैं, कर्जा माफ करवा सकते हैं। तो आप ऐसे जो लोग भी चाहते हैं कि उन्हें वॉलंटियर बनाया जाए, वो अपने यहाँ पर बैनर लगाने को तैयार है, तो बैनर का डिजाइन मैं भेज दूंगा। हर एक के लिए अलग डिजाइन होगा, क्योंकि हर एक का कोड अलग बनेगा। आपका सेंटर का कोड होगा, वो सेंटर का कोड रहेगा कि कर्जा मुक्ति अभियान के यहाँ फॉर्म जमा हो सकते हैं, यहाँ जानकारी मिल सकती है। आपके पास ऑलरेडी लिंक है गूगल फॉर्म का, वही लिंक उनको देना है जो लोग भी आपके पास आएंगे फॉर्म भरवाने के लिए। आप उन्हें जानकारी दे सकते हैं, बता सकते हैं कि कर्जा मुक्ति अभियान ऑलरेडी चल रहा है, मैं फॉर्म भर चुका हूं, और आप भी बताइए कि मैं भी वॉलंटियर ही हूं। इस तरह से हम लोग अलग अलग जगह पर कर्जा मुक्ति केंद्र खोल पाएंगे। मैं जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं वो अपनी जानकारी ईमेल करेंगे हमें, मैं एक ईमेल आईडी दे रहा हूं, उस ईमेल आईडी पर, ईमेल आईडी है freekmkindia@gmail.com, freekmk कर्जा मुक्ति केंद्र इंडिया INDIA@gmail.com। मैं ईमेल आईडी फिर से बोल रहा हूं, freekmkindia@gmail.com। इस पर आप अपनी जानकारी भेजिए। जानकारी में क्या भेजना है, अपना नाम भेजिए, अपना मोबाइल नंबर भेजिए, अपनी लोकसभा का नाम भेजिए, अपने जिले का नाम भेजिए, अपना पूरा एड्रेस भेजिए जिस एड्रेस पर आप कर्जा मुक्ति केंद्र खोलना चाहते हैं। अगर कोई कहता है मैं अपने घर पर बैनर पोस्टर नहीं लगा सकता हूं, मैं अपनी गाड़ी में लगा सकता हूं, तो आप मोबाइल कर्जा मुक्ति केंद्र भी खोल सकते हैं, और आपके केंद्र का एक नंबर मिल जाएगा, और जितने भी केंद्र हमारे खुलते रहेंगे उनकी जानकारी मैं देता रहूंगा, और जल्दी कोशिश करेंगे हम एक लैंडिंग पेज बना लें, एक वेबसाइट बना लें, जहां पर जो नया केंद्र खुलता रहे वो उसकी जानकारी जनता को मिलती रहे, लोग वहां आकर के आपके पास फॉर्म जमा करा दें। साथियों, इस अभियान को एक बड़े स्केल पर लेकर के जाना है। अभी हमारे पास जो 97,000 लोगों के फॉर्म आए और जो यूनिक 78,700 फॉर्म आए, इसको कम से कम 100 टाइम करना है हमें, यानी हमारे पास 1 करोड़ लोगों का डाटा आना चाहिए, 80 लाख से लेकर 1 करोड़ लोगों का डाटा आना चाहिए। अगर 80 लाख से 1 करोड़ लोग आ गए, यकीन मानिए सबका कर्जा माफ हो जाएगा। और अगर आप में से जितने भी लोग वॉलंटियर बनना चाहते हैं, जितने लोग भी कर्जा माफ करवाना चाहते हैं, अगर सब अपने घर पर एक एक बैनर लगा लें, हर दिन कम से कम 10 लोग आपके पास आ जाएंगे कर्जा मुक्ति के बारे में जानकारी लेने, कर्जा मुक्ति के बारे में जुड़ने के लिए। और यदि 10 दिन में भी आपने सही से काम कर लिया, तो 100 लोग आपके यहां आ जाएंगे जिनका फॉर्म आप भरवा देंगे। अगर हर व्यक्ति 100-100 लोगों का फॉर्म भरवाएगा, तो यकीन मानिए अगले 1 महीने में सबका कर्जा माफ होने की स्थिति बन जाएगी। सरकार पर इतना दबाव पड़ेगा, हो सकता है हम नया साल सब कर्जा मुक्ति के स्थिति में मना रहे हो, सबका कर्जा माफ हो जाए। सबको संगठित होना पड़ेगा, प्रयास करने पड़ेंगे। अपनी तरफ से मैं जो जो कर सकता था मैं कर रहा हूं। मैं आपको फ्री ट्रेनिंग दे सकता था, फ्री ट्रेनिंग दे दी। ये मिशन चला रहा हूं, अपना समय लगाकर, पैसा लगाकर, संसाधन लगाकर मैं और मेरी पूरी टीम काम कर रहे हैं। अब सोचिए कल हमें प्रिंट आउट लेना है, तो लगभग ये बन रहा है लगभग
2500 पेज बनेंगे जिन पर ये डाटा आ रहा है। अब 2500 पेज प्रिंट भी कराने पड़ेंगे, उनको लेकर के जाएंगे, समय भी लगेगा, पैसा भी लगेगा, ये फ्री है लेकिन आपके लिए, आपको कोई चार्ज नहीं दे रहा। कई लोग अभी भी कर्जा मुक्ति अभियान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि भाई आपको 100 रुपया देना है, 200 रुपया देना है फॉर्म भरने का, बिल्कुल 1 रुपया भी नहीं देना है। ये अभियान पूरी तरह से निशुल्क है मेरे नाम पर, कर्जा मुक्ति अभियान के नाम पर। कई लोग ने फोन नंबर पे मेरी डीपी लगा रखी है, भाई मेरी फोटो तो फेसबुक पर मिल जाती है, मेरी फोटो तो सब जगह अवेलेबल है, कोई भी लेकर के लगा लेगा, आप मान लेंगे सर का नंबर है, ऐसा नहीं होता। और अगर कोई व्यक्ति मेरी फोटो लगा रहा है, पहली बात तो उसकी फोटो मेरे साथ होनी चाहिए। अगर मेरे साथ उसकी फोटो नहीं है तो इसका मतलब वो मुझसे मिला नहीं, मेरी टीम का मेंबर नहीं है, क्योंकि मेरी टीम के ज्यादातर मेंबर के साथ देखेंगे, मेरी फोटो उनके साथ आपको मिल जाएगी। दूसरा, मेरी टीम का कोई मेंबर पैसा नहीं मांगेगा। यह अभियान पूरी तरह से निशुल्क है, मैं अपनी टीम के लोगों को जानता हूं, वो लोग अपना समय लगा रहे, पैसा लगा रहे, वो 100, 200, 500, 1000 रुपए नहीं लेंगे, वो ये काम नहीं करेंगे। कर्जा मुक्ति अभियान पूरी तरह से निशुल्क है, और जैसे मैंने बार बार कहा है, एक एक व्यक्ति का एक एक रुपए का कर्जा माफ कराऊंगा मैं, विश्वास करिए, आपका ये बेटा, आपका ये दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, मैं अपनी तरफ से प्रयास करूंगा। और अब मैं अपना आपके कर्जे की जिम्मेदारी ले रहा हूं, अपनी तरफ से आपको अपना एक साथी बना रहा हूं, एक टीम मेंबर बना रहा हूं, आप वॉलंटियर के रूप में जुड़िए। मैंने ईमेल आईडी दे दिया, दोबारा मैं ईमेल आईडी दे देता हूं, freekmkindia@gmail.com, FREEKMK, कर्जा मुक्ति केंद्र की शॉर्ट फॉर्म है, KMKINDIA@gmail.com। और यह भी कर्जा मुक्ति केंद्र आपको फ्री खोलने को दिया जा रहा है, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, आपको बैनर का डिजाइन बना करके मेल कर दिया जाएगा आपकी जानकारी के साथ, और उसको आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। हर सेंटर का एक यूनिक कोड होगा और सेंटर का नंबर उस पर लिखा होगा, उससे पहचान हो पाएगी कि कितने सेंटर हमारे पास ऑल ओवर इंडिया में है। मेरी कोशिश यह है कि देश के हर जिले में, हर राज्य में, हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हर ब्लॉक में कम से कम 10-20 हमारे अपने केंद्र हों, ताकि कोई भी व्यक्ति वहां आकर के कर्जा मुक्ति की जानकारी ले सके, कर्जा मुक्ति के फॉर्म भर सके। और सारे फॉर्म ऑनलाइन भराने, ऑफलाइन फॉर्म मत भरवाइए। अगर आपने ऑफलाइन फॉर्म छपवा भी लिए हो, कई साथियों ने छपवाए हैं, ऑफलाइन फॉर्म भरवा करके उसका डाटा ऑनलाइन अपलोड करिए, ताकि हमारा सेंट्रलाइज डाटा रहे, सारी चीजें एक जगह रहें। कर्जा मुक्ति अभियान पूरे जोर शोर से हम लोग चला रहे हैं। अभी आपने देखा होगा छठ के कार्यक्रम में भी चंडीगढ़ में हमारी टीम ने कार्यक्रम किया, बहुत जबरदस्त कार्यक्रम वहां रहा पंजाब की टीम की तरफ से, और वहां अनाउंसमेंट भी की गई और एक कर्जा मुक्ति यात्रा भी निकाली गई। वहां पर आप देखेंगे बैनर लेकर के टीम चल रही थी। अभी मैं भी दिल्ली में मादीपुर में हमारी एक लीडर हैं उनके यहाँ गया था, मधु अग्रवाल भारती जी, उन्होंने भी कर्जा मुक्ति केंद्र खोला है। और इसके लिए कोई बहुत बड़ी जगह होने की जरूरत नहीं है, आपका अपना घर काफी है, 10x10 का कोई कमरा है, बस वहां बोर्ड लगा लो, वहां बैनर लगा लो, अगर गाड़ी है, अगर कुछ लोग हैं जो ड्राइवरी करते हैं, कुछ लोग हैं जो ऑटो चलाते हैं, कुछ लोग हैं जो टैक्सी चलाते हैं, कुछ लोग हैं जो ई रिक्शा चलाते हैं, अपने ई रिक्शा में बांध लो कर्जा मुक्ति केंद्र मोबाइल केंद्र, उस पर नंबर में लिखा होगा और लोग आपसे संपर्क करें, भाई कर्जा मुक्ति केंद्र क्या है, आप उनको बोलो भैया ये स्कैन कर लो QR कोड, वहां पूरी जानकारी मिल जाएगी। और जानकारी चाहिए तो मेरे पेज के बारे में बता दो, शाहनवाज चौधरी भारतीय पेज सर्च करो यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ये जानकारी मिल जाएगी। यूट्यूब पर शाहनवाज